वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हाजिर है आपकी ये नेचुरल पूजा एक और हाई रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं, इंस्टा पर भी किए हैं और मेरी वीडियोस पर भी किए हैं। सब लोगों ने मुझे ये बोला है कि मैम आप हेयर्स के लिए कोई और वीडियो निकालिए और हमें कोई अच्छा सा हेयर मास्क बताइए, एक ऐसा हेयर मास्क बताइए कि वो हेयर मास्क हो लेकिन अगर हम अपने बालों में तेल नहीं भी लगाएं तो भी हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं हो, तो प्लीज आप कुछ ऐसा हमें बताइए। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना अच्छा, इतना बेहतरीन हेयर मास्क बताने जा रही हूँ। इसको आप लोग बना के अपने बालों में जरूर लगाना, आप देखोगे आपके बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपके बालों की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, लेकिन आपको इतना ही ध्यान देना है जैसे जैसे मैं बताती हूँ आपको इसे उसी तरीके से बना के अपने बालों में लगाना है। और एक जरूरी बात, देखिए आप लोग मुझे ये कमेंट कर दे हो कि मैम आपके तो बाल छोटे हैं, आपके बाल बड़े क्यों नहीं हुए, आपके बाल लंबे क्यों नहीं हुए। तो देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी कम से कम 1 महीने पहले ही मैंने अपनी हेयर कटिंग कराई है तो उसकी वजह से मेरे बाल थोड़े से शॉर्ट हो गए। नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियोज देख सकते हो, उनमें मेरे बाल काफी ज्यादा लॉन्ग थे और काफी ज्यादा अच्छे भी थे। तो मेरे बालों की ग्रोथ उतनी ही हो जाएगी, जिस तरीके से मैं अपने बालों की केयर करती हूँ उसी तरीके से आप लोगों के पास, मतलब वैसा ही वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। और मैंने अपने चैनल पर कम से कम 10 या 12 वीडियोज हेयर्स के लिए निकाल रखी हैं, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो उनको जरूर देखना और उन सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर चेक कर लेना क्योंकि उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये हेयर मास्क किस तरीके से बना के अपने बालों में लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस हेयर पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और जो मैंने ये मीडियम साइज के प्याज लिए हैं अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लिए हैं कि मेरे बालों की लंबाई कितनी है, कितने घने हैं। अगर आप लोगों के बाल मेरे बालों से ज़्यादा लंबे हैं, घने हैं, तो आप प्याज इससे ज़्यादा भी ले सकते हो और कम है तो इससे कम भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज का जो छिलका है उसको हटा लेना है। छिलका हटाने के बाद इसे कट करके और आपको एक मिक्सी जार में डाल के इसका आपको जूस निकालना है, मतलब हमें इसके जूस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए मैंने इसको इस मिक्सी जार में डाल दिया और अब मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया। अब मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ। तो जूस निकालने के लिए मैंने यहाँ पे लिए एक छलनी और एक लिया है बाउल, तो उसमें डाल के और इसे एक चम्मच की सहायता से प्रेस करते हुए इसका जितना भी जूस है सारा मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया और जो ये बचा हुआ प्याज है, जो इसका पेस्ट हमने बनाया था, जूस तो निकल गया। इसे आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो आप इसे फेंक भी सकते हो। और अब मैं इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है रोज़ वाटर और रोज़ वाटर जितना ज़्यादा हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है उतना ही ज़्यादा हमारे बालों के लिए भी होता है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया है कोकोनट ऑयल। अगर आपके पास में कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी, जैसे कि आलमंड ऑयल भी डाल सकते हो उसमें और वर्जिन कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हो, इनमें से जो भी ऑयल आपके पास है, मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो, जो भी है आपके पास आप वो डालें। डालने के बाद आपको क्या करना है, एक चम्मच मैंने इसमें लिया था एलोवेरा जेल, तो इन सबको लेके मैंने कर दिया अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अपने बालों में किस तरीके से लगाना है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको शैम्पू करना है तो शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आप इसे लेके अपने बालों में अच्छे से मसाज करें, पूरे बालों में, जड़ में करें, नीचे की साइड लगाएं, अच्छे से पूरे बालों में इस हेयर पैक को अच्छे से लगा लें। 2 घंटे के लिए आप इसे इसी तरीके से छोड़ दें और 2 घंटे छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी जो भी आप शैम्पू करते हो अपना शैम्पू करें और उसके बाद आप देखोगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छी चमक भी आएगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ, मतलब इस हेयर पैक को लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए मुझे कुछ मेरी बहनों ने ये कमेंट किए हैं कि दी आप कोई ऐसा हेयर पैक या कुछ भी ऐसा बताइए जिससे हमारे बालों में जुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए जो प्याज होता है इसका जो रस होता है ये जुओं को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इस हेयर पैक को लगाने से आपके जुए भी ख़त्म होंगे। और आप इसे हफ्ते में कितने दिन लगा सकते हो, तो देखिए आप इसे 3 या 4 बार लगा सकती हो, जितना ज़्यादा लगाओगे उतनी ही जल्दी आपके जुए सर के ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है,
कि आपकी रूसी है वो बालों से निकलने का नाम नहीं लेती, तो आपका सर एकदम से साफ हो जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपके बालों की धीरे धीरे ग्रोथ भी होने लगेगी। बस आपको इतना ध्यान देना है, जैसे जैसे मैंने बताया है आपको इसे उसी तरीके से अपने बालों में लगाना है। और हाँ, आप लोग मुझे ये भी पूछोगे कि दी इस पैक को लगा के हम ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं क्या, पूरी रात के लिए? तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। अगर आप लोग मतलब ऐसा कर सकते हो कि इसे लगा के पूरी रात के लिए छोड़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, और दूसरे दिन मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो शैम्पू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप इस हेयर पैक को लगाएं और आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको दो मुँह वालों की प्रॉब्लम है तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपको दो मुँह वालों की प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या करें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी, कोई भी ऑयल लें तो उससे आप अच्छे से मसाज जरूर किया करें अपने बालों के ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके बाद क्या किया करें आप, हर एक या डेढ़ दो महीने में अपने बालों की कटिंग जरूर किया करें नीचे की साइड से। जैसे कि दो मुँह बालों की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इसीलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कटिंग नहीं करते। तो जो ऐसे बाल होते हैं उनको नीचे से आप थोड़ा सा कटिंग करके निकाल दिया करें, तब आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसी तरीके से अपने बालों की केयर किया करें, हफ्ते में कम से कम दो बार, अगर आप ज़्यादा नहीं लगा सकते तो कोई भी ऑयल लेके उसे लेके अपने बालों में अच्छे से मसाज करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑयल लगाने से प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऑयल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो आप ऐसे हेयर पैक अपने बालों में ज़रूर लगाया करें क्योंकि इसमें ऑयल भी डाला है आपने और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इस तरीके से, तो देखिए मैंने अच्छे से अपनी जड़ों में मालिश कर ली, इससे अपने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बालों में। और अब मैं इसे छोड़ दूंगी और दो घंटे के बाद फिर मैं अपना जो भी मैं शैम्पू करती हूँ, शैम्पू करने के बाद जो मेरे बाल हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे नज़र आएंगे। और आप भी अपने बालों में इसी तरीके से केयर किया करें। देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है इस हेयर मास्क को बनाना और अपने बालों में लगाना। बस आपको इतना ही करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है आपको इसे उसी तरीके से बना के अपने बालों में लगाना है। फिर आप देखना आपके बालों का टूटना झड़ना सब कंट्रोल हो जाएगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी होने लगेगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा। ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों से बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।